हेलो गाइस, वेलकम टू बंगलू इंजीनियर्स। जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ ही दिनों में लिस्ट आने वाली है वेबसाइट में, तो वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की लिस्ट आ चुकी है वेबसाइट में, आप देख सकते हैं। ये पीडीएफ सीधे आप वेबसाइट से भी जाके देख सकते हैं, व्हाट्स न्यू सेक्शन में आती है। और नहीं तो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में ये लिस्ट, ये जो पीडीएफ है वो डाली हुई है, इसमें देख सकते हैं। अभी भोपाल दिनांक 7/3/2023 को ये जारी हुई है, जल संसाधन विभाग में उपेंद्री सिविल एवं उपेंद्री विद्युत यांत्रिकी के पद पर नियुक्ति बाबत। तो इसमें देखिए, चार स्लॉट्स में बांटा गया है लोग, जो भी जितने स्टूडेंट है, तो सीरियल नंबर 1 से 200 तक को 13 मार्च को पहुंचना है, 201 से 400 तक को 14 मार्च को, 401 से 508 तक को 15 मार्च को पहुंचना है, और जो इलेक्ट्रिकल और संविदा वाले हैं उनको 16 मार्च को पहुंचना है। तो इसमें देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। शैक्षणिक योग्यता, निवास एवं जाति संबंधी सभी मूल दस्तावेज, उक्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां मतलब कॉपी, रंगीन पासपोर्ट फोटो, कलर पासपोर्ट फोटोग्राफ होना चाहिए, शपथ पत्र नोटरी के सील हस्ताक्षर चाहिए, इसमें जो भी शपथ पत्र वाला नोटरी दिया गया है वो होना चाहिए, जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा मूल प्रमाण पत्र, ये मेडिकल बोर्ड से होना चाहिए इसका। ये अब डिटेल में देखेंगे सारी चीज़ें क्या क्या, अभी बस मैं एक इन्फो दे रहा हूँ। मूल आधार कार्ड होना चाहिए, और जो अभ्यर्थी संविदा कोटे से चयनित हुए हैं वे जिस विभाग में कार्य कर रहे थे उस विभाग का नियुक्ति आदेश एवं त्याग पत्र स्वीकृति आदेश लाना अनिवार्य होगा। तो देखिए, पहले ही कहा था मैंने कि ये रिजेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे, जो भी फ्रेशर्स हैं जिनने संविदा 20 कर दिया था तो उनको मांगा गया है। और उसके बाद देखिए लिस्ट बताई गई है, तो सीरियल नंबर से जैसे लिस्ट बता दी गई है, तो ये सारी लिस्ट है। इसमें हम नीचे देखते हैं और क्या क्या है। पाँच सौ आठ स्टूडेंट है टोटल सिविल के, आप देख सकते हैं जैसे ऊपर लिस्ट में लिखा गया था। तो देखिए लिस्ट बहुत जल्दी आ गई, और ये जो है वो देखिए 508 जो है ये सिविल के हैं, महेंद्र प्रजापति लास्ट कैंडिडेट है सिविल से, और इलेक्ट्रिकल और जो संविदा वाले हैं उनका अलग से आया है, तो उनके 121 कुछ स्टूडेंट हैं। देखिए ये 121 के बाद में है, ये संविदा कोटे वाले हैं। अब ये देखिए, ये अनुप्रमाणन फॉर्म है, इसमें ये भर के ले जाना है। ये पूरा हम डिटेल में एक वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे करना है, अभी बस ये एक इन्फॉर्मेटिव है कि लिस्ट आ गई है। उसके बाद कुछ एडिशनल चीज़ें इसमें दी गई है, देखिए किससे आप अटेस्टेड करवा के ले जा सकते हैं, ये भी लिखा हुआ है इसमें। ये शपथ पत्र हमको लेके जाना है 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे बना के, ये भी दिया हुआ है इसका फॉर्मेट। तो यही सारी चीज़ें दी हुई है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि कोई ज्वाइनिंग वाइनिंग पे स्टे नहीं है, आप पुराने वीडियो में देख सकते हैं। तो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि फालतू होप दे रहे वगैरह वगैरह, तो आप देख सकते हैं, दिस इज़ द प्रूफ कि सबसे पहले, और जैसा मैंने कहा भी था कि हो सकता है सबसे पहले WRD आया, WRD का जो है वो आज नोटिस आ चुका है, 13/14/15/16 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, भोपाल पहुँचना है। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है सभी के लिए, तो अभी जुट जाइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयारी में। और इन सारे डॉक्यूमेंट्स और कैसे क्या जाना है इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।